अरे बाप रे, ब्रेक भी बहुत अच्छा लगा हमको चला के भी। हेलो दोस्तों, आज मैं एक और साइकिल अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, वेंटेज एक्स एक साइकिल है, ब्रांड न्यू साइकिल। हेलो दोस्तों, आज मैं एक साइकिल अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं अभी एक बढ़िया सा साइकिल दिखाऊंगा आपको, बना के और चला के दिखाऊंगा कैसा है, आप लोगों को बोलूंगा। तो मेरा वीडियो को देखने के लिए छोड़िए मत, मैं अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ। जो कि है, ये देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक साइकिल है, बड़ा बड़ा व्हील से उसका। तो उसका नाम है वेंटेज एक्स का साइकिल है, असल में ब्रांड उसका 91 है, वेंटेज एक्स है उसका मॉडल का नाम। तो देख सकते हैं, ये है साइकिल का बॉक्स। अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए जाते हैं, अभी इसको मैं अनबॉक्स करूंगा, आप लोग देखते रहिए अंदर कैसे कैसे निकलता है, अंदर साइकिल कैसा है। आप लोग को पसंद आता है तो मेरे वीडियो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बॉक्स को खोलते हैं कैसे है अंदर, अभी इसको काटते हैं पूरा। ये हो गया, अभी इसके अंदर से माल निकालेगा। अभी कैसे करके ऐसे करिए, 91 ब्रांड का साइकिल है, बहुत ही अच्छा है चलाने में, तो आपको भी अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं ये साइकिल। अभी देख लीजिए कैसा है। तो चलिए निकालते हैं इसको, अंदर बाहर निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बॉक्स को अंदर से सामान को निकालते हैं। चलिए देख सकते हैं, बाहर निकल दिया। इसको कर देंगे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक बॉक्स, इसको भी अनबॉक्सिंग करूंगा अभी, क्या क्या निकलता है अंदर से। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं इसी तरह मार के। मेरा अनबॉक्सिंग खतरा है। ये देखते हैं, ये है सीट, ये है पेडल, ये हो गया सीट का नीचे का, क्या बोलता है उसको, नाम पता नहीं है, लेकिन उसका डंडा है, डंडा सीट का डंडा। ये हो गया गियर का सेफ्टी, साइकिल का गियर का जो सेफ करने के लिए ये है। ये हो गया आपका फ्रंट रिफ्लेक्टर, ये हो गया आगे का व्हील्स का एक्सेल, जी एक्सेल तो नहीं है लेकिन क्लैंप है, तो ये इससे आप साइकिल को वो फिट कर सकते हैं। उसके बाद हो गया खाली, तो ये हो गया बैक रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर पीछे के साइड का। तो चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं, फटाफट से असेंबल कर लूंगा। अभी इसको ये है, मैं ये टूल्स यूज करता हूँ। अगर इसका भी अनबॉक्सिंग का वीडियो देख, इसका भी अभी दिखाऊंगा अंदर कैसे दिखता है। ये देख लो, सारा का सारा माल मटन है अंदर में, मटन नहीं है लेकिन सामान इसका पूरी तरह से भर्ती करके रखा है। देख क्या नहीं है, सब है। अभी इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले तो ये लेंगे, ये है मेरा सबसे अच्छा हथियार, ये है, ये हो गया खोल दिया इसको। अभी लगाएगा हैंडल, इसको हटा देगा अभी इसको,
तो दोस्तों मेरा हैंडल फिटिंग हो गया है, हैंडल फिटिंग हो गया। अभी देखते हैं, अभी इसका आगे का व्हील्स लगाएंगे, इसको अभी ऐसा बेजान मारेगा ऐसे करके। देखा, इसको बोलते हैं ब्रेक जम। हम इसको निकाल गया, अब इसका व्हील्स लगाएगा। देखो कितना मोटा है चक्का, देखो इसका व्हील्स कितना मोटा है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा लगाने चलाने में। अभी से इसका ये बोल रहा था ना मैं आगे इसके बारे में, ये है इसका क्लैंप, इससे लगाता है इसका व्हील्स, देख सकते हैं। अभी इसको खोल के स्प्रिंग है दो टू, एक टू निकाल दिया। इसका व्हील्स भी लगा के हो गया। अभी लगाएंगे इसका, अभी बाकी इसका लगाने में इसका एक पैडल, अभी पैडल लगाएगा। ये पैडल देख सकते हैं, इतना अच्छा है ग्रिप इसका, अच्छा है देख सकते हैं, ताकि इसका पेड़ मतलब पेड़ फिसले ना, इसलिए ये लगा, ये ग्रिप है। तो चलिए इसको भी फिटिंग कर रहे हैं, इसके भी लगा दें। पेडल भी हो गया, अब इसके बाद इसमें सीट लगाएंगे भी। आधा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है, अभी इसके बाद सीट लगाएगा। सीट अभी यहाँ पे ऐसे डालेंगे इसको, ये हो गया टाइट हो गया। अभी इसको लगाएंगे यहाँ पे, ये फिटिंग हो गया है बाबा। अभी अभी लगाएगा इसका रिफ्लेक्टर, आगे का रिफ्लेक्टर लगा दिया। अभी है ब्रेक रिफ्लेक्टर, इसके अंदर बहुत ही इजी सेट हो गया रे भाई। अब इसको लगा दीजिए, इजी से एक साइकिल फिटिंग होके रेडी है। अभी इसको हवा डाल के, इसको हवा डाल के अभी चलाएंगे, कैसा लगता है मुझे आप लोगों को जरूर बताऊंगा अभी। तो इसके पहले हवा डाल के एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ब्रेक भी बहुत अच्छा लगा हमको, चला के भी देख लिया साइकिल पूरा, देख सकते हैं कैसा है साइकिल, चलाने में बहुत स्मूथ है। अभी रास्ता खराब होने से भी आपको ये व्हील्स बड़ा होने के वजह से आप स्मूथ से साइकिल चला सकते हैं, क्योंकि इसका व्हील्स बड़ा है, इसीलिए आप रास्ता खराब होने से भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। इसका नाम है, देख सकते हैं इसका मॉडल, ये देख सकते हैं बैंडेज एक्स 91 ब्रांड का है। तो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया मेरे दोस्तों। इसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों साइकिल चला के भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा हमको। आप लोगों को भी ऐसा साइकिल अगर खरीदने का मन है तो, अगर आप नागालैंड डीमापुर से है तो आ सकते हैं हमारे स्टोर पे, स्पोर्ट स्टेशन पर आ सकते हैं और ये साइकिल ले सकते हैं। ये साइकिल का प्राइस भी बोल दूंगा मैं, ये इसका प्राइस है 22,000। तो देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो हमारे स्टोर पे आ सकते हैं, स्पोर्ट स्टेशन खेरमोल पुलिस पॉइंट पे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं मेरे दोस्तों, तो अभी के लिए गुड बाय।